हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और शुरुआत करते हैं हमारे क्रैश कोर्स की। क्लास 12th इकोनॉमिक्स के क्रैश कोर्स की हम बात कर रहे हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से, फिर बाद में हम बातचीत करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। हम लोग इसमें वन बाय वन क्वेश्चन जो है कवर करेंगे, जो खास खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खाली हम वही कवर करेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन देखिए, हम एक वीडियो में मैं एक यूनिट कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम से रिलेटेड जो यूनिट है वो कवर करेंगे, उसके बाद में फिर हम बाकी की यूनिट जो है एक एक यूनिट कवर करते जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में चार या पांच वीडियो में हमारा काम हो जाएगा, पांच वीडियो में, और इंडियन इकोनॉमी में हो सकता है पांच से ज्यादा बनाना पड़े। जितने भी रिक्वायरमेंट होगी मैं इतने वीडियो बनाऊंगा। खैर, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है? स्टॉक वेरिएबल्स, इट मीन्स ऑल दोस वेरिएबल विच कैन बी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ऑल दोस वेरिएबल, ऐसे सारी चीजें जो हम पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि वेल्थ। वेल्थ, हाँ, आज मेरे पास कितना पैसा है? 5 करोड़ 10 करोड़, इतना नहीं खेल, 1 लाख 2 लाख 50 हजार 20 हजार। तो जो भी मेरे पास आज है मैं किसी टाइम पर, पॉइंट ऑफ टाइम पर बता रहा हूँ, लेकिन मेरे एक महीने की इनकम कितनी है, साल भर की इनकम कितनी है, 2 साल की इनकम कितनी, तो हम उसको पीरियड में काउंट कर रहे हैं। तो इनकम इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल एंड वेल्थ इज एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल, राइट? तो स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स में आपको जब भी क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें सिर्फ आपके 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा कि फ्लो वेरिएबल कौन सा है इसमें से, स्टॉक वेरिएबल कौन सा है, पहचानना आपको। तो फ्लो वेरिएबल इट मीन्स बीच कैन बी मेजर इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। खैर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो यूजुअली ये क्वेश्चन आता है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स इट मीन्स दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो गुड्स हम परचेस करते हैं उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। और फाइनल गुड्स इट मीन दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजप्शन, राइट है? जैसे कि यदि मान लीजिए मेरा फर्नीचर का बिजनेस है और मैं लकड़ी खरीद रहा हूँ, तो ये वुड परचेस कर रहा हूँ, तो ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। और यदि जैसे कि मैं कोई भी चीज़ खरीद रहा हूँ, जैसे मैं टी शर्ट खरीदी, मेरे खुद के लिए खरीदी, तो ये जो है क्या हो गया? फाइनल गुड्स हो गया, राइट? मैंने एक पेन खरीदा, फाइनल गुड्स हो गया। तो फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, ये हमारा क्वेश्चन रहा। खैर, आगे बढ़ते हैं इससे बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है, देखिए मेरे सामने कोई लैपटॉप वगैरह कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि ये डन है, आना ही चाहिए। खैर, बात करते हैं रेसिडेंटशिप एंड सिटीजनशिप की। बात करते हैं रेसिडेंटशिप, इट मीन्स द पर्सन एनी इंडिविजुअल ऑलरेडी फ्रॉम लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री, एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, यानी जैसे कि हमारा इंडिया है, तो ज्योग्राफिकल जो टेरिटरी है हमारे इंडिया की, जो ज्योग्राफिकल टेरिटरीज है, इस टेरिटरी में यदि कोई व्यक्ति एक साल, है ना, एक साल, लगभग एक साल या उससे ज़्यादा समय से रह रहा है, तो वो व्यक्ति उस देश का रेसिडेंट है, राइट? लेकिन यदि बात होती सिटीजनशिप की, सिटीजनशिप जो है या तो लीगल वे से आती है या फिर जो है वो व्यक्ति उस कंट्री में पैदा हुआ हो। जैसे कि हम लोग इंडियंस हैं, इंडिया में पैदा हुए, इंडियन हैं, अब हम जाकर के अमेरिका में रहें तब भी हम इंडियन ही रहेंगे, और हम जापान में जाकर रहेंगे तब भी हम इंडियन ही रहेंगे। हाँ, पर मान लो कि हम जापान में जाकर रह रहे हैं और जापान में हमारा ही काम का सब कुछ है, तो वो फिर हम वहाँ के रेसिडेंट हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे हमेशा कहाँ के? रहेंगे हम सिटीजन रहेंगे इंडिया के। तो हमारी सिटीजनशिप कहाँ की? हमारी सिटीजनशिप इंडियंस हैं हम, और हम जो है वहाँ जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, उसको हम बोलेंगे रेसिडेंटशिप। ठीक, तो रेसिडेंटशिप इट मीन्स द पर्सन और या बोले इंडिविजुअल और एनी फॉर्म लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। खैर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है। अब इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी देखिए, जो कोई भी कंट्री, जिससे मान लो इंडिया है, तो इंडिया की जो ज्योग्राफिकल जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है ये भी इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट है, लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो इंडिया की बाउंड्री में काउंट होगी या इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट होगी। पॉलिटिकल टेरिटरी तो हमने देख ली,
अब जहां पर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, जैसे कि जो हमारा सी वाला जो एरिया है ना, जो समुद्र वाला एरिया है जहां पर हमारे सी पकड़ा चल रहा है, वो भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट होगा। जो हमारे एयरवेज है तो ये भी हमारी, जैसे हमारे इंडिया का एयरवेज जो है एरोप्लेन है, वो भाई कहीं भी जा रहा होगा, विदेश जा रहा होगा, वापस आ रहा होगा, तो वो काउंट हमारे इंडिया के इसमें होगा। फिर एंड हमारा जो इकोनॉमिक टेरिटरी है उसमें क्या काउंट होगा। उसके अलावा उसमें काउंट होगा जैसे कि आप हमारी जो एम्बेसीज है ना, जैसे कि हमारी एम्बेसी चाइना में भी होगी, अमेरिका में भी होगी, जापान में भी होगी, तो ये जो एम्बेसीज है जो अलग अलग जगह पर हैं पर है इंडिया की, तो ये वहाँ की टेरिटरी में काउंट नहीं होगी, हमारे यहाँ की टेरिटरी में काउंट होगी। लाइकवाइज जो विदेशों की टेरिटरी हमारे देश, विदेशों की जो एम्बेसीज हैं है ना, राजदूत जिसको हम बोलते हैं, जो जो विदेशों की जो एम्बेसी जो हमारे देश में, वो हमारे देश की इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगी। ठीक, तो इकोनॉमिक टेरिटरी इट मीन्स ज्योग्राफिकल टेरिटरी, और उसमें साथ में क्या चीज इंक्लूड है, एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज, और जो हमारा सी एरिया है, एयर एरिया है, वो भी इसमें काउंट होगा। ठीक, तो इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, एक ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। क्या नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बात करें कि नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज द इनकम अर्न बाय द रेसिडेंट ऑफ अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी और रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। एक देश के रेसिडेंट, सिटीजन नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ, ये कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ा था हमने कि एक देश के जितने भी रेसिडेंट्स है उनकी जो टोटल अर्निंग है, टोटल जो इनकम है, उस टोटल इनकम का नाम ही क्या है, उस इनकम का नाम नेशनल इनकम है। कई बार जैसे अब जब तक हम नहीं पढ़े होते तब हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि नेशनल इनकम इट मीन्स जो गवर्नमेंट की इनकम है वो होगी। नहीं नहीं, नेशनल इनकम इट मीन्स, नेशनल इनकम इट मीन्स ये होगा कि नेशनल इनकम मीन्स कि हमारे देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी कमाई, उनकी जो अर्निंग है वो क्या है, वो जो अर्निंग है उसका नाम ही नेशनल इनकम है। फिर बात करते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इट मीन द प्रोडक्शन मेड बाय अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी। एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी में जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ, टोटल आउटपुट हुआ है, उस टोटल आउटपुट का जो टोटल है वो जीडीपी है। ठीक, इसके बाद में यदि हम बात करें कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की मेथड कौन कौन सी है, तो वो तो हम थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड पर करके दिखाऊंगा। इससे पहले आपको एक चीज पढ़ना होगी, इससे पहले आपको एक चीज पढ़ना होगी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये है, आपने पहले पढ़ा होगा पर, लेकिन इसमें मेनली दो सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड और दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है कौन सा, दूसरा होता है आपका फर्म्स, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो हाउस होल्ड जो है क्या करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है, यानी कि हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं, वही इनकम जाती है किसके पास, फर्म्स के पास। और फर्म जो भी प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन करने के लिए उसको जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती है, हाउस होल्ड से मिलती है। तो इनके बदले में वो फैक्टर पेमेंट करता है, जैसे कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें वो पेमेंट हमें करता है। तो यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इट मीन द सर्कुलेशन ऑफ इनकम बिटवीन, इनकम एंड एक्सपेंसेस बिटवीन, बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। हम उन्हें एक्सपेंसेस करके जो पैसे जाते हैं उनके पास, उसी पैसे से वो फिर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट बांटते हैं, फिर वही हम लोगों के पास आ रहा है, फिर वही हम एक्सपेंस करते हैं, और उस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहता है। अब ये सर्कुलेशन ऑफ फ्लो में एक क्वेश्चन आता है, लीकेज क्या है भाई। यदि इस सर्कुलेशन में से यदि हम कुछ पैसे सेव कर लेंगे, तो सेविंग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, जब हम सेविंग करेंगे वो कहलाएगा लीकेज। ठीक, जो सेविंग हम करेंगे वो क्या कहलाएगा, लीकेज। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है लीकेज क्या है और इंजेक्शन क्या है। तो इंजेक्शन इट मीन जो पैसे यदि हम कहीं से बाहर से हमारे पास कोई फॉरेन डायरेक्ट कोई इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है इंजेक्शन का काम करता है, यानी कि उससे सर्कुलेशन जो है बढ़ जाएगा। सेविंग से क्या होगा, सर्कुलेशन कम हो जाएगा, इसलिए उसको हम लीकेज बोल रहे हैं। खैर यहां बट इज द रोल ऑफ बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर इन सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो में बैंकिंग सेक्टर का क्या रोल है। बैंकिंग सेक्टर का मेन रोल यह है इसमें कि जितना भी लोग सेविंग कर रहे हैं, अब वो सेविंग यदि बैंक में जमा कर दे, फाइनेंशियल सेक्टर को जमा कर दे, तो फाइनेंशियल सेक्टर क्या करेगा, उसको फर्दर जो है लोन दे देगा इंडस्ट्रीज को, फर्दर इंडस्ट्री को लोन मिल जाएगा, तो इंडस्ट्री जो है उसको वापस वो मतलब वो पैसे सर्कुलेशन में आ जाएगा, राइट।
तो इसमें फाइनेंशियल सेक्टर का रोल क्या है, ये हमें बात करना है। खैर, तो हमारा फाइनल क्वेश्चन ये था, फाइनल क्वेश्चन हमारा ये था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इट्स इन प्रेजेंटेशन और इट्स सो दैट देर इज अ सर्कुलेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर भी होता है, थ्री सेक्टर भी होता है, फोर सेक्टर भी होता है, हमें सिर्फ टू सेक्टर की बात करना है। तो टू सेक्टर की बात करना है तो इट इज सर्कुलेशन ऑफ इनकम बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स। ठीक, एक ये बड़ा मेजर क्वेश्चन हो गया। खैर, थर्ड हम बात करते हैं, थर्ड अभी हम थोड़ी कुछ इसमें न्यूमेरिकल भी करना रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप करता हूँ। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की मेथड्स कौन कौन सी है, तो रिवीजन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की तीन मेथड है। पहली मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला आपको पता होगी कि जितने भी तीनों सेक्टर्स हैं उन तीनों सेक्टर का वैल्यू एडिशन प्लस कर लेंगे। वैल्यू एडिशन इट मीन्स ये हुआ कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे तो आएगा आउटपुट, आउटपुट में से आप क्या माइनस करेंगे, आउटपुट में से आप माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा जीवीए। तो जीवीए आप प्राइमरी सेक्टर, जीवीए आप सेकेंडरी सेक्टर, जीवीए आप टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर का जीवीए मिला है तो वो क्या बन जाएगा, जीडीपी, राइट, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेड बाय ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो वो आएगा जीडीपी। आप सभी सेक्टर का मिला लिया तो जीडीपी हो गया। अब जीडीपी एट एमपी आया, जीडीपी एट एमपी में से आप क्या माइनस करेंगे, इसमें से डेप्रेशन माइनस कर देंगे तो ये जी क्या हो जाएगा, एन बदल जाएगा, जीडीपी से एनडीपी हो जाएगा। फिर जो मार्केट प्राइस है, एमपी जो लिखा हुआ है मार्केट प्राइस को यदि आप हटाना तो इसमें से आपको क्या माइनस करेगा करना पड़ेगा, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा एनआईटी। एनआईटी बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो एनआईटी आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये एमपी और एफसी का क्या, ये क्या बात है, यदि आप मुझे चैट में बताएंगे तो मैं आपको इसका आंसर जवाब दूंगा। खैर, ये तो पहली मेथड थी ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। सेकंड मेथड की हम बात करते हैं, सेकंड मेथड है इनकम मेथड। अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है इसके अंदर, इनकम मेथड आप मेजरिंग नेशनल इनकम। तो इनकम मेथड के लिए आप बात करते हो, इनकम मेथड में आपको क्या करना है, तीन कंपोनेंट है इसके, ऑपरेटिंग सरप्लस, कंजप्शन आप एम्प्लॉई और जो है मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीज आती है, ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चार चीज आती है, कौन सी, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ही आ गया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। प्लस प्लस आप क्या करेंगे, प्लस आप करेंगे इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई जो एम्प्लॉईज को सैलरी वगैरह मिल रही है और इसके अलावा जो कोई अदर बेनिफिट मिल रहा है वो। प्लस मिक्स्ड इनकम आप करेंगे तो क्या आएगा, आएगा एनडीपी एट एफसी, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हैं। इसमें यदि आप एनएफआईए प्लस कर देंगे, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। ठीक, ये दूसरी मेथड थी। थर्ड मेथड जो है, थर्ड मेथड है आपकी एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड इट मीन्स जितने भी सेक्टर है सारे सेक्टर के खर्चे। अब सेक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है आपका फर्म, तीसरा होता है गवर्नमेंट और चौथा होता है आपका फॉरेन सेक्टर। तो जो फर्स्ट सेक्टर है यानी कि हाउस होल्ड यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको आप बोल सकते हैं शॉर्टकट में पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक, फिर दूसरा क्या है, दूसरा है आपका पीएफसीई के बाद में क्या आएगा, जीएफसी गवर्नमेंट सेक्टर का खर्चा, जीएफसी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर क्या, फिर है आपका नेट एक्सपोर्ट, इन जो ये खर्चे हैं सारे खर्चों को हम प्लस कर लेंगे, सारा जो सेक्टर है पीएफसी जीएफसी है ना, और प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया, फिर क्या हो गया आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया, नेट एक्सपोर्ट हो गया, हाँ और एक और चीज जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड ग्रोथ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ ग्रोथ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। वैसे इसके दो टाइप होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक चेंजिंग स्टॉक होता है, दोनों को प्लस करते हैं तो जो है सीएफ आता है। अभी हम डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पीएफसी, फिर क्या हो गया जीएफसी, फिर हो गया आपका नेट एक्सपोर्ट और जीडीसीएफ, इन सबको प्लस करेंगे सीधे आएगा क्या, जीडीपी एट एमपी आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से आप वापस एनआईटी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एमपी आ जाएगा, इस सॉरी
मैंने जीडीपी एट एमपी बोला, जीडीपी एट एमपी में से मैंने माइनस किया एनआईटी तो जीडीपी एट एफसी आया। इसमें से यदि मैं डेफिनेशन माइनस कर दूं तो एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। एनडीपी एट एफसी में यदि मैं एनएफआईए प्लस कर देता हूं तो क्या आएगा, एनएफआईए प्लस कर देता हूं तो आएगा आपका नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये तीन मेथड है, इन तीन मेथड के फॉर्मूले हमने जो है देख लिए। तो नेशनल इनकम से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने जो है, जो जितना मुझे याद है, जितना मेरे प्रैक्टिस में है, मुझे पता है कि हाँ ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैंने वो आपसे अभी इस वीडियो में डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में नेशनल इनकम पार्ट टू में हम इसके जितने भी खास जरूरी जरूरी जो नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स है वो हम कवर करेंगे। ठीक, आई होप मैं जो आपको शायद ये वीडियो पसंद आया, क्योंकि शायद मैं बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, और जल्दी इसलिए कवर कर रहा हूँ कि मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ये सोच करके आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग पहले से कुछ पढ़ चुके होंगे। यदि आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है तो पहले आप जाइए और मेरे फ्री वीडियो देखिए चैनल पर, आपको फ्री वीडियो देखिए, आपको डिटेल में हर बात मैंने समझा रखी है। अभी फिलहाल हमें फास्ट फास्ट चल रहे हैं। हाँ, यदि आपको सजेशन देना चाहे तो दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो मेरी रिवीजन सीरीज है, जो क्रेश कोर्स है, ये पसंद आए। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। और यदि अभी तक आपने मेरी ऐप डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।